हमारे 5 मिनट प्रेजेंटेशन है, उस लड़की को कुछ नहीं आता। अबे साले तभी मैंने माफ करना गुस्से। तो व्हाट विल हैपन देयर, भाई का पेड़ भी निकल गया अब तो थोड़ा सा। तो अप्रैल फूल बनाने वाले थे भाई। जिसका नाम है डिसीजन एंड बिहेवियर एनालिटिक्स। ये सारी खाली पड़ गया और ठंड बचाने का कोई नाम नहीं है, आज खुलासा होके रहेगा। आई लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग शूट बी ये आ गई आरुषि पूल का मैच। ये हार ऑब्वियसली ये हार के ही आए हैं। अभी व्लॉग शॉट स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल फूल बनाने वाले थे आज। तो सही में आ गए अभी खेल रहे अभी इससे आ रहे हैं भाई। ये देख रहे हो ये लड़का सुबह सुबह 9 बजे प्रैक्टिस कर रहा है। बच्चे को चैलेंज करने गए थे। बच्चा प्रो प्लेयर बनेगा पंकज अडवाणी। सही चक्कर में हमारी मार दी। सही में भाई चल मैं बैग रख के आता हूं। यो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज टीवीएक्स ऑन द बीट। एंड मैं भूल गया आज का व्लॉग स्टार्ट करना, तो व्लॉग स्टार्ट हुआ रैंडमली। बट आज एक और प्रेजेंटेशन है, सब्जेक्ट का नाम है डिसीजन एंड बिहेवियर एनालिटिक्स। तो हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं इस सब्जेक्ट, क्या नाम है इस टॉपिक का, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। एनी वेज प्रोस्पेक्ट थ्योरी छोड़ो, अगर प्रोस्पेक्ट थ्योरी छोड़ो, अगर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, आई गेस पहले ही कॉन्सेप्ट में से आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उस पर है उसका एक्सटेंशन है ये टॉपिक। तो जा रहे हैं हम, सबसे पहले मैं बैग रखूँगा एंड देखते हैं आज कैसे क्या होने वाला सीन। हमने एक बार भी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस नहीं करी है, बस नहीं करी है, तो अब देखते हैं सीधा फाइनल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन कैसे होती है। लेट्स गो। तो ये लॉकर रूम है, यहाँ पे थोड़ा मैंने अपना सामान अनलोड किया है और अब क्लास चलते हैं सीधा। ये स्टडी एरिया राइट में, लेट्स गो। तो ये क्लास स्टार्ट होने वाली है भाई, वक्त जो कर रहे हैं। तो भाई का पेड़ भी निकल गया अब तो थोड़ा सा। नई टी शर्ट मंगवाई है इंडिया से, नई टी शर्ट मंगवाई है इंडिया से। सही है भाई, घंटे हमारा टाइम सही में इंडिया से पीछे हो गया। पहले 5.5 आवर का देखो, क्या लग रहा है, जैकेट भी नहीं पहना। वही मैं सोच रहा हूं, हां मैं चाहिए जैकेट पहन जो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रही है भाई, ये तो पार्ट टाइम दिख रहा है। काम कर रहे हैं बॉडी। सही है, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है और ये ट्राइमेस्टर 2 आते आते देखो क्लास कैसे खाली हो जाती है। ये सारी खाली पड़ी है, कोई नहीं आया भाई। तो 2 दिन हफ्ते में आना, 2 दिन होती है, एक का एग्जाम भी हो गया है शायद, इसके बाद कोई इसमें भी ना है कुछ पता नहीं है भाई। इसका गेम अंदर है और हफ्ते में 2 दिन आना है। सही बात है, उसके बाद खत्म। मजे क्या मारो, जॉब ढूंढो, मेन तो वो है। I would like to conclude by saying we are choosing between a guaranteed slice of pie and a gamble on the whole Hamare 5 minute presentation hai. No god please no no. Aur slide bhi nahi bani teri, mujhe ye cheez pata. पहले तो तेरी स्लाइड ऐड करवा। हाँ, क्या क्या ऐड होगा, फाइनल है राइट। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की और उस लड़की को कुछ नहीं आता। अबे साले तभी मैंने माफ करना गुस्से। अभी देखते हैं क्या करेगी ये फाइनली। तो हमारी ठीक ठाक सी प्रेपरेशन हो तो गई है, हाँ बाकी बेस्ट तो करण नहीं करा अभी तक भाई मैंने बेस्ट। हाँ। और जो हमारी एंकर है जिसने कहा था कि सबसे पहले दिखी, उसकी प्रेजेंटेशन किसी ने सुनी ही नहीं है, तो अब मेन वो है कि क्या होने वाला है, आज खुलासा होके रहेगा। One hour later. What drives us in the face of risk? Is it just logic or is there something else? Good morning. I, along with my teammates, will walk you through this something else. Okay. So, I am assuming through that video, you got a good idea about how losses and gains are perceived very differently. If our professor decides to be a little more generous and she gives us a grade of A+, okay. So, what will happen there? We will definitely feel a little more happy. I think it was a very well made presentation and the law of diminishing marginal utility was well explained with the pizza example. The best part was the pizza example.
इसने क्या मजा आ गया प्रेजेंटेशन जो दी है, अच्छी थी एक्चुअली, अच्छी थी, सही में अच्छी थी। बट एक्चुअली हमें पता नहीं था, देख अगर तू एक ड्राई रन दे देती ना, हम तेरे को पहले ही बता देते ये नहीं करना। बोला अच्छा तूने, बस स्पीड वैसे माइनस टू स्लो मोशन पे नहीं करते कुछ चीज वैसे भी। अरे ठीक है, सही था, ऑल इन ऑल अच्छा था। कौशिकी ने बोला यार कि प्रेजेंटेशन अच्छी है, आएगी शॉर्ट में। कौशिकी को इसको जेन्युइनली अच्छी लगी प्रेजेंटेशन, पता नहीं झूठ भी। हाँ हाँ बस आखिरी में सब बोर हो जाते हैं इंग्लिश में। तो प्रेजेंटेशन ऑल इन ऑल तो अच्छी गई, वैसे ठीक ठाक ही, कैसे बोलूँ, ठीक गई प्रेजेंटेशन, अच्छी गई। थोड़ी हमने प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन हो गई आधे घंटे की, पूरे 30 मिनट्स, जो आई गेस इस क्लास की सबसे लंबी प्रेजेंटेशन होगी। और उसका शायद रीज़न ये है कि हमने एक साल कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, जो हमारी प्रेजेंटेशन थी सीधा सीधा क्लास में जाके दे दी। एंड सही था, तो डिसीजन एंड बिहेवियर एनालिटिक्स है ये सब्जेक्ट। और अभी देखते हैं यार, अभी काफ़ी डेड सा हो गया कॉलेज, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, लोग भी बड़े कम दिखते हैं। मतलब शुरू के ब्लॉग्स और अभी के ब्लॉग्स देखोगे तो लोग ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि यही होता है यहाँ पे, थोड़ा टाइम पढ़ाई होती है, उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने कामों पे ज़्यादा, काम क्या यार, जॉब ढूंढ रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज आना। टू बी ऑनेस्ट, सीधी सी बात है, वो देखो वो ये आ गई यार ऋषि, और चलो मिल ही लेते हैं, आ ही रही है। तो ये देखो क्या लेके आई है, अभी नहीं, अभी अभी कह रही है मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, तो अभी शॉर्ट नहीं। तो मैं बेसिकली ये बता रहा था कि कॉलेज हो गया काफ़ी डेड, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, सब लोग दो चार बंदे दिखते हैं बस, इतनी सुनसान बिल्डिंग हो गई है, और ठंड का जाने का कोई नाम नहीं है। अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, अप्रैल चल हो गया और अभी तक ठंड है। बट एनी वेज, इन्जॉय, चिल, पीस। दिस इज DEVX ऑन द बीट, साइनिंग ऑफ।